हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा सिविल क्रिएटर चैनल से आज आपके लिए लाया हूँ मेजरमेंट्स रिलेटेड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। दोस्तों, जब हम कभी साइट पे अपने मेजरमेंट करते हैं या प्लास्टर की या फिर किसी भी पेंट्स की कह सकते हो या एरिया निकालते हैं, जब भी अगर उन सब हमें डिफरेंट शेप्स के अगर एरिया पता हो तो हमें मेजरमेंट करना बहुत आसान हो जाती है। हम आसानी से अपने एरिया निकाल सकते हैं और हमें साइट पर मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी ड्राइंग से ही सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एरिया के जो फॉर्मूले जो होते हैं वो पता होने चाहिए। तो उसी के लिए हम आज आप वही चीज़ लेके आए हैं। तो देख सकते हैं हमारा कॉलम है एसआर नंबर, फिगर नेम, फिगर पेरीमीटर और एरिया, ये हमने आज टॉपिक लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर ये होता है जिसकी जिसकी आमने सामने की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2a+b, जो बाहर का जो पेरीमीटर होगा 2a+b, एरिया होगा इसका a इंटू बी, ये इसका एरिया होगा। उसके बाद दूसरी शेप आती है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर इसका होता है 4a और एरिया इसका होता है a स्क्वायर, किसी भी ए का ए स्क्वायर, क्योंकि चारों सेम है। फिर आता है दोस्तों ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल बनाया, इसका ये फॉर्मूला होता है a+b+c=2s। ये जो होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसके बाहर के जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला है a+b+c=2s। और वहीं इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बी इंटू एच। इसी तरह से एक एक्स का निकल आएगा, मल्टीप्लाई डबल से कर देंगे तो पूरे का एरिया हमारे पास आ जाएगा। और ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है इसका हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट s s-a s-b s-c। s हमारी इस फॉर्मूले से निकल आएगी, फिर s-a s-b और s-c, इस तरह से हम एरिया इसका भी निकाल सकते हैं। फिर आता है चार नंबर पर हमारा राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है हमारा जो 90 डिग्री का अंदर कोण बनाता है। इसका पेरीमीटर होता है b+h+d और एरिया जो होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट। अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आ गया जिसकी बाहर की चारों जो भुजाएं हैं वो इक्वल हैं। तो पेरीमीटर जो इसका होगा वो 3a और जो एरिया इसका होगा तो उसका फर्स्ट फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। तो दूसरा है अंडर रूट 3/4 a²। अब आती है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ये आ गया जिसकी दो जाए सेम है और तीसरी अलग है। तो इसमें क्या है, इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2a+d और वहीं इसका एरिया का फॉर्मूला जो है ½a² है इसका फॉर्मूला। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम में देखिए इसी तरह से होगा, ये हमने बाद में कट किया है। पैरेललोग्राम इस तरह से होता है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × a+b, 2a+b। इसमें भी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन ये शेप थोड़ा सा टिल्ट होती है। और उसके बाद देखते हैं एरिया इसका a इंटू एच इसका एरिया होगा। अब आते हैं रोम्बस। जब रोम्बस का हम पैरामीटर निकालेंगे तो वो होगा 4a और एरिया इसका होगा ½d1 × d2, यानी इसका हाफ प्लस डायगोनल 1 और डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 डायगोनल 2, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। अगला आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये डिफरेंट शेप्स होती हैं, जो आमने सामने की जो उसकी भुजाएं होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं, जैसे देख सकते हैं बी और ए। इसमें हमने एक एंगल बना लिया है एच, जो कि राइट एंगल बन रहा है। इसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ इट्स 4 साइड, इसकी चारों साइड का सम कीजिए वो इसका पैरामीटर है। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ एच a+b, ये इसका एरिया फॉर्मूला होता है। सर्कल,
कोई भी गोल सर्कल होता हमारा, इसका पैरामीटर होता 2 पाई आर, वहीं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी ये त्रिज्या होती है ये रेडियस पाई आर स्क्वायर। फिर होता है सेमी सर्कल, ये हमारा आधा सर्कल, इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, और एरिया जो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर था, इसका हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। सेक्टर ऑफ अ सर्किल, अगर किसी सर्किल का हमें जैसे देखिए इतने का एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है, उसके लिए पैरामीटर जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है एल प्लस 2 आर। एल ये इसका पैरामीटर, ये आधा प्लस के 2 आर जो उसकी रेडियस है। वेयर एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360। 360 का होता है ठीक, ये पूरा इसमें देखते हैं 360 में ये थीटा कितने एंगल का है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये इसका पैरामीटर होता है। और एरिया जो इसका होता है थीटा इज इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वही एरिया का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब जो मल्टीप्लाई होगा वो थीटा के एंगल से होगा, थीटा एंगल डिवाइडेड बाय 360। ये 360 में से थीटा हमारा कितना आया उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय।